गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम विनय तिवारी। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके बीच में हम नंबर वचन के पार्ट 5 लेकर के आए हुए हैं। हमने पिछले वीडियो में कई आपको बता चुके हैं, आज आपको फिर बताने जा रहे हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाना। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के क्या नियम होते हैं, हमने पिछले वीडियो में आपको 6 वीडियो दे चुके हैं। आज हम आपको रूल 7वां लेकर के आए हुए हैं। आज हम 7वां रूल्स लेकर के आए हुए हैं कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, रूल 7 है कि संयुक्त संज्ञाओं, संयुक्त को अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं और संज्ञाओं को नाउंस। तो कंपाउंड नाउंस का बहुवचन यानी प्लूरल मुख्य शब्द यानी प्रिंसिपल वर्ड्स में यस लगा करके बनाया जाता है। कोई भी पूछे तो आपको बताना है कि संयुक्त संज्ञाओं यानी कंपाउंड नाउंस का प्लूरल मुख्य शब्द यानी मेन वर्ड यानी प्रिंसिपल वर्ड में यस लगा करके बनाया जाता है। जैसे कंपाउंड वर्ड फादर इन लॉ, इसमें आगे भी लगाया जा सकता है या पीछे भी लगाया जा सकता है, कहीं भी लगाया जा सकता है, मतलब इसका कोई फिक्स नहीं होता। जैसे फादर इन लॉ तो क्या कहोगे आप, फादर इन लॉ, यस लग गया। देखो जैसे स्टेप मदर सौतेली मां, तो स्टेप मदर्स होगा। अब स्टेप्स नहीं कहोगे, स्टेप मदर्स, ठीक है। तो यह कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। और रूल 8 है कि डिग्री यानी अवस्था का प्लूरल बनाने में उनके अंत में एपोस्ट्रॉफीस क्या लगाया जाता है, एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफीस लगा करके डिग्री में एपोस्ट्रॉफीस लगा करके प्लूरल वर्ड बनाया जाता है। जैसे यमे, तो यमे का क्या होगा, एपोस्ट्रॉफीस, एमएच। जैसे एलएलबी तो क्या होगा, एलएलबी। जैसे एमएलए तो एमएलए, देखो एपोस्ट्रॉफीस सब में लगा। नेक्स्ट है रूल 9, कुछ नाउंस के सिंगुलर और प्लूरल समान होते हैं। कुछ नाउंस ऐसे होते हैं जिसके प्लूरल सिंगुलर समान होते हैं। इसके सिंगुलर और प्लूरल समझने के लिए क्या करना चाहिए कि अगर इस जैसे डियर, डियर के साथ यदि इज लगा है, वॉज लगा है, हैज लगा है, तो आपको समझ जाना है कि यह सिंगुलर है। और अगर डियर के साथ जैसे मान लीजिए आर लगा है, वर लगा है, हैव लगा है, तो आपको समझ जाना है कि यह प्लूरल है। इसको हेल्पिंग वर्ब से पहचानते हैं। जैसे फीस, अब फीस का फीसेस नहीं करोगे, फीस का फीस होता है। जैसे पीस, ठप्पा, पीस का पीस होता है। जैसे डजन, डजन का डजन होता है। जैसे स्विन, तो स्विन का स्विन ही होता है। इसको हम हेल्पिंग वर्ब से पहचानते हैं कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल। नेक्स्ट रूल 10 है, कुछ नाउंस के केवल सिंगुलर में ही होते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। आपको ध्यान देना है, कुछ नाउंस ऐसे होते हैं वो सिंगुलर में ही होते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। जैसे कौन कौन से वर्ड्स हैं, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, अब पोएट्री का पोएट्री नहीं कहोगे नहीं गलत हो जाएगा, मशीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, बिजनेस, हेयर, नॉलेज, लैंग्वेज, मनी, कालरा, फ्लेग, यह हमेशा सिंगुलर में ही होते हैं, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। जैसे हमने इस पे एक नोट दिया है कि कुछ नाउंस का प्लूरल बनाने के लिए आदि शब्दों का प्रयोग। जैसे आपने इंफॉर्मेशन कहा तो आप कहोगे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे पोएट्री तो पीस ऑफ पोएट्री, ठीक है। तो सिंगुलर यह हमेशा सिंगुलर में ही होते हैं, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम और आपको वीडियो देते रहेंगे। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना है आप ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।